हाय, वेलकम बैक माय चैनल निर्मला मिश्रा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक ही होंगे। माँ कितना गहरा शब्द है। माँ ऐसा लगता सारी दुनिया ना इस माँ शब्द में समाई है। धैर्य, शांति, सुकून, इस सब माँ के शब्दों में है। माँ क्या होती है? माँ ना सब कुछ होती है, वो सब समझती है। वो अपने बच्चे को देखते ही सब समझ जाती है, उसके मन की हर भावना कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो दुखी है कि खुश है, क्या है। और पता है, बच्चा भी ना जब बीमार हो या किसी मुसीबत में हो ना, तो उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं याद आती, कोई भी नहीं याद, उसको सिर्फ़ अपनी माँ याद आती है। ऐसा लगता कब मम्मी के पास पहुँचे और ये बात उसको बताऊँ। और यकीन मानिए ना, माँ के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आज भी ना हम लोग शादी हो गई है, हम लोग अपने ससुराल में, लेकिन है ना कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले याद आता है कि यार मम्मी को एक कॉल करती हूँ, पूछती हूँ क्या करूँ, और मम्मी हमेशा सही सही रास्ता बताएगी, हमेशा। और उसकी ना कही बात हमेशा सही होती है, मतलब वो जो कहती है ना सब सही होता है। क्या बोलूँ यार शब्द ही नहीं है माँ के बारे में बोलने के लिए। मेरी पियूनी के ना, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाऊँ ना, तो मेरे बच्चे ना बाप रे इतने कॉल करेंगे, मम्मा कब आओगे, मम्मा कब आओगे। और मैं भी ना एक दो दिन के लिए भी मैं अगर कहीं बाहर चली गई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी अकेली हूँ बिना बच्चों की। और मैं जहाँ भी जाऊँगी ना, उनके बिना तो मुझे शांति ही नहीं। कितना भी वहाँ मुझे सुख सुविधा मिल जाए, पर मुझे ना अपने बच्चों से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। मतलब अपने परिवार में कम खाओ, लेकिन अपने ही परिवार में अच्छा लगता है। कहीं शांति नहीं है अपने परिवार के अलावा, अपने बच्चों के अलावा। माँ शब्द ही बहुत बहुत गहरा शब्द है। माँ क्या कहूँ, माँ के बारे में तो बोलते जाओ पूरा दिन बीत जाएगा। मतलब ये शब्द नहीं मिलेंगे कि क्या बोलना क्या है। सब कुछ है माँ, सब कुछ। एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी सलाहकार, एक अच्छी डॉक्टर, एक अच्छी पेंटर, एक अच्छी मोटिवेशन देने वाली ना, हर चीज़, हर चीज़। एक अच्छी शिक्षिका, पहला गुरु कौन होता है? माँ होती है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि हम पहला शब्द भी माँ ही बोलते हैं, माँ है ना। तो माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। हमेशा अपने माँ बाप का कहना हमेशा मानना चाहिए, और जब कभी भी वो कुछ कहते हैं ना, तो उनकी बातें भी ध्यान से सुनना चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी के ना आखिरी पड़ाव तक कहीं ना कहीं काम आती है, उनकी बातें हमेशा आती है, कभी उनकी बातें झूठ जा ही नहीं सकती, सच हमेशा काम आती। उनके संस्कार, उनके ये हर जगह, आज हमारी भी तारीफ कहीं हो रही है ना, अगर कि हाँ यार बीवी अच्छी मिली, बहू अच्छी मिली, माँ अच्छी मिली, तो ये सब हमारे ना माँ बाप की संस्कार होते हैं, सब कुछ। ओके, बाय, जय श्री राम।